टाटा नैनो से ज्यादा मर्सिडीज खरीद रहे हैं भारतीय। टाटा मोटर्स की लखटकिया कार नैनो को लगातार कस्टमर्स से कमजोर रिस्पांस मिल रहा है। हालिया महीनों में नैनो की बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर 2017 में टाटा नैनो की सेल्स अब तक की सबसे कमजोर रही। सितंबर में केवल 124 यूनिट्स नैनो की बिक्री हुई। घटती सेल्स के बीच कंपनी शेयर होल्डर्स की इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेकर चिंतित है। टाटा मोटर्स ने नैनो की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जून 2017 को नैनो की केवल 167 यूनिट्स ही बिक्री हुई थी। मर्सिडीज में ई क्लास से कम बिक रही है नैनो। सितंबर को ख़त्म हो रहे हैं 6 महीने के दौरान नैनो की सेल्स महज 1436 यूनिट्स रही। नैनो की ये बिक्री मर्सिडीज की बेंच ई क्लास से भी कम है। मर्सिडीज भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली लग्जरी कार है। हालांकि टाटा मोटर्स ने गुजरात में सारण नैनो के प्रोडक्शन करने वाले प्लांट को री इंजीनियर्ड किया है। टाटा मोटर्स ने टियागो और टिगोर जैसे दूसरे मॉडल्स को भी शामिल किया है। हालांकि कंपनी ने नैनो के प्रोडक्शन बंद करने के लेकर कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी है। नैनो के प्रोडक्शन पर करीब 4% घाटा। टाटा मोटर्स के टियागो, टिगोर, हेक्सा और नेक्सॉन और नेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स की कंपनी मंथली वॉल्यूम को 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। ऐसे में नैना, इंडिका, इंडिगो और सुमो जैसे पुराने लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स मार्केट के बाहर किया जा सकता है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि नैनो का घाटा बहुत कम यानी करीब 4% है और प्रोडक्ट को जारी रखने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद।